अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप चाहें तो बीफ में, मटर में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने 600 ग्राम चावल बनस्पति राइस लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिरयानी के लिए आप चावल बॉयल करते हैं, थोड़ा सा हाबुत मसाला डालकर। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि मेरे चावल जो है वो आपस में जुड़े नहीं। इसके साबुत मसालों में मैं 2 तेज़पात ले रही हूँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, सिनेमन स्टिक्स, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है। जायफल जरवत्री का मैं पाउडर बनाऊँगी बाद में, वो लिए हैं। काली मिर्चें, लौंग, ये सब जाएंगी इसमें। 1 कप मैंने फ्राइड अनियन लिए हैं, ये मेरे होममेड फ्राइड अनियन है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, ये कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक है, आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। इसके पिसे हुए मसालों में 1 टेबलस्पून मेरा बिरयानी मसाला है, होममेड बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है, ये जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिए है, 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, ये भी मेरा होममेड कश्मीरी मिर्च, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल सकती है। मैं धनिए का 1 प्याली भरकर, यानी कि लगा रहे हैं आप 1/2 बंच लगा रहे हैं धनिए का यूज़ कर रही हूँ। पुदीने की गठी ली है मैंने 1 प्याली भर के मैंने तकरीबन 300 ग्राम के पास मैंने दही लिया है। चिकन मैं इसमें तकरीबन 1.5 किलो डाल रही हूँ, ये जाएगा। मिक्स चिकन लिया है मैंने, तो आए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से साबुत मसाले डाल रहे हैं। सॉरी, जायफल जलवर्ती जो है वो हल्की से बन गई है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें या मेरी तरह कद्दूकस करके डाल दें। हाफ फ्राई अनियन मैं अभी डाल रही हूँ, 1/2 मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए डालूंगी, ये डाल दें इसमें। साथ ही चिकन डाल दें। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसको भूने। चिकन का कलर चेंज हो गया, साथ ही इसमें आप पहले टमाटर डाल दें। 1/2 टमाटर मैं डालूंगी, 1/2 में गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। पानी बिल्कुल मत डालिएगा चिकन, और इसके अलावा टमाटर सब जो है अपना अपना पानी छोड़ते हैं, तो बिल्कुल पानी नहीं डालना। बहुत जल्दी बन जाने वाली बिरयानी है ये, सारे जैसे पिसे हुए मसाले जो मैंने आपको बताए हैं सब डाल दें। दही डाल दें। आधा धनिया और हरी मिर्ची जो है वो शुरू में डाल दें, बाकी गार्निशिंग के लिए रख लें। इसी तरह से पुदीना,
हाफ पुदीना मैं अभी डालूंगी, हाफ बाद में डालूंगी। सॉरी मैं बताना भूल गई, आप इसमें सिरका या लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लेमन यूज़ करूंगी। अगर आपके पास सिरका है आप सिरका यूज़ कर लें, अगर लेमन यूज़ करना चाहते हैं लेमन यूज़ कर लें, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे डालेंगे। सारी चीज़ों को लिड दे के रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि गोश्त और टमाटर वगैरह दही वगैरह सब यकजान हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए इसको, मसाला जो है भून गया सारा अच्छी तरह से। चिकन गल चुका है, हाफ चिकन के साथ जो मसाला है वो मैं निकाल लूँगी और इसकी तय की सूरत में चावल बिछाऊंगी। हाफ मैं रहने दूंगी और हाफ निकाल लूंगी। तकरीबन हाफ चावल जो है वो नीचे वाली तय में बिछा दें। अनियन की एक तह जो है वो बीच में लगाएं। थोड़ा सा जर्दा कलर, सॉरी इस वक्त मैं आपको बताना भूल गई थी, बीच में डालें। बाकी चावलों की तह भी लगा दें। प्लेन हल्की कर दें। पुदीना हरी मिर्ची और धनिया इसके अलावा एक तह जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसके अलावा दम पे रखने से पहले जो है मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। इसके अलावा फूड कलर मैं ऊपर से डालूंगी ताकि हमारे चिकन के ऊपर भी लग जाए और चावलों में भी चला जाए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसको लिड दे दें और दम पे रख दें तकरीबन 20 मिनट के दम पे। पहले दरमियानी आंच करें उसके बाद इसको दम पे रख दें। 5 मिनट के लिए मैं आंच जो है वो मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम यानी कि कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। सॉरी मैं इस वक्त टमाटर वगैरह डालना भूल गई हूँ, टमाटर हमने ऊपर ही गार्निश करने थे। बस अब इसे लिड दे दें, फ्लेम हल्की कर दें। तकरीबन 20 मिनट के दम के बाद हम इसे देखते हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं लिड खोलने लगी हूँ और बिरयानी को बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का दम आ चुका है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारी बिरयानी का। ज़रदा कलर मैंने चिकन के ऊपर भी डाला था ताकि उसको भी कलर प्यारा सा ऊपर चढ़ जाए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारी बिरयानी का। मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयेशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।